हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइनक्स लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में उन सभी कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सर्चिंग और पैटर्न मैचिंग के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले इसमें हम लर्न करेंगे अबाउट वाइल्ड कार्ड्स एंड मैचिंग फाइल नेम्स। उसके बाद कमांड्स डिस्कस करेंगे जो कि सर्चिंग के लिए यूज़ होती हैं फाइल्स के लिए, जिसमें आती हैं ग्रैप, ई ग्रैप, एफ ग्रैप और फाइंड कमांड्स। वाइल्ड कार्ड एंड मैचिंग फाइल नेम्स, यू कैन सर्च फॉर अ फाइल कंटेनिंग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स। तो बेसिकली वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? आप किसी भी फाइल में कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को सर्च करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसे हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं। To search for files using the question mark wildcard, replace each unknown character with question mark. तो सबसे पहले इसमें देखते हैं question mark जो wildcard होता है, आप table में देख सकते हैं। matches any single character, किसी एक single character के लिए ये use किया जाता है। For example, आपको आपको ये पता है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में या सिस्टम में आपको सर्च करना है फाइल नेम जो कि स्टार्ट होता है बी ए से। फर्स्ट टू कैरेक्टर्स उसके बी ए हैं, लेकिन थर्ड कैरेक्टर के बारे में आपको याद नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? एलएस, एलएस कमांड यूज़ करेंगे जो कि लिस्ट करेगा बी ए क्वेश्चन मार्क डॉट आउट। तो लास्ट का जो लेटर है वो कुछ भी हो सकता है, बी डबल ए, बी ए, बी बी ए, सी बी ए डी, बी ए ई। तो इस तरीके से बी ए फर्स्ट टू कैरेक्टर फिक्स हैं और थर्ड कैरेक्टर कुछ भी हो, थ्री कैरेक्टर वाली फाइल को, जितने भी फाइल्स होंगे जो कि बी ए से स्टार्ट हो रही होंगी और उसका एक्सटेंशन डॉट आउट होगा, सर्च होकर आपको शो कर दी होंगे, एल एस कमांड लिस्ट कर देगी। टू सर्च फॉर फाइल्स यूजिंग द एस्टरिस्क वाइल्ड कार्ड, replace the unknown string with asterisk. Example, if you remember only that the extension was dot out. तो अगर आपको पूरी string ही नहीं याद है, आपको सिर्फ dot out extension की जितनी भी files हैं या dot exe extension की जितनी भी files हैं वो search करनी है, तो उसके लिए आप asterisk use करेंगे और command होगी, लिखेंगे ls star dot out। जो स्टार का जो सिंबल होता है, एस्टेरिस्क कहते हैं, इसमें मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ये किसी भी स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, मोर देन वन कैरेक्टर्स के लिए, कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है, टू कैरेक्टर्स, थ्री कैरेक्टर्स, फोर कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ से पैटर्न, बस लास्ट में डॉट आउट एक्सटेंशन होनी चाहिए। ब्रेसेस जब आप यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स, सेट मैचेस एनी कैरेक्टर इन द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि पर्टिकुलर आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स अगर मेंशन कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, फॉर एग्जांपल ए बी सी आपने मेंशन कर दिया, या जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ए डी एफ मेंशन किया, तो विल मैच एनी अकरेंस ऑफ ए डी और एफ, तो ए डी और एफ की अकरेंस से यह पैटर्न मैच करेगा। एंड अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ सेट यूज़ करते हैं, तो मैचेस एनी कैरेक्टर नॉट इन द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, तो वो सभी कैरेक्टर से मैच करेगा, सर्च करेगा जो कि उसमें नहीं होंगे, यानी कि रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स सर्चिंग करेगा। तो इस तरीके से हम वाइल्ड कार्ड और मैचिंग कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं मैचिंग फाइल नेम्स। आप देखते हैं ग्रैप कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। ग्रैप कमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है और हाईली यूजफुल कमांड है लिनक्स में। तो इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, ग्रैप कमांड लिखेंगे, देन ऑप्शंस फील्ड है, ऑप्शंस देंगे, देन पैटर्न जो कि मैच करना है पर्टिकुलर पैटर्न, और जिस फाइल में आपको पैटर्न सर्च करना है, फाइल नेम, लोकेशन। दूसरी सिंटैक्स में दिया हुआ है ग्रैप ऑप्शंस हाइफन ई पैटर्न हाइफन एफ फाइल एंड देन डेस्टिनेशन, यूज टू फाइंड अ स्ट्रिंग विद इन अ फाइल। तो बेसिकली ग्रैप कमांड यूज़ होती है फाइल के अंदर स्ट्रिंग सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपको फाइल के अंदर सर्च करनी है। ग्रैप सर्चेज द नेम्ड इनपुट फाइल्स और स्टैंडर्ड इनपुट इफ नो फाइल्स आर नेम्ड और द फाइल नेम हाइफन इज गिवन। तो बेसिकली जो फाइल नेम आप मेंशन करोगे उसमें सर्च करेगी, और अगर कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है तो स्टैंडर्ड इनपुट वो लेगी।
ग्रैप कमांड फॉर लाइन्स कंटेनिंग ए मैच टू द गिवन पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न को मैच करने के लिए. बाई डिफॉल्ट ग्रैप प्रिंट्स द मैचिंग लाइन. बाई डिफॉल्ट ग्रैप क्या प्रिंट करती है? मैचिंग लाइन्स को, जो पैटर्न दिया होता है उससे जो मैचिंग लाइन्स होती हैं फाइल के अंदर उनको प्रिंट करती है. द ग्रैप कमांड लुक्स फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट वन इज एनी ऑप्शंस यू माइट यूज टू टेलर योर सर्च. सबसे पहले ग्रैप कमांड ऑप्शंस को देखती है. अगर आप कोई ऑप्शन उसमें डालते हैं सर्च को स्पेसिफिक करने के लिए अपनी, द स्ट्रिंग और पैटर्न यू आर लुकिंग फॉर, देन स्ट्रिंग और पैटर्न चेक करती है जो स्ट्रिंग या पैटर्न आपको मैच कराना है. अलोकेशन इन विच टू सर्च और फाइनली लोकेशन कहाँ आपको सर्चिंग करनी है, आइदर ए फाइल और डायरेक्ट्री. ये लोकेशन फाइल भी हो सकती है पर्टिकुलर, और एक डायरेक्ट्री विद इन डायरेक्ट्री भी हो सकती है. ऑप्शंस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो ग्रैप के साथ यूज हो सकते हैं. जैसे कि हाइफन आई ऑप्शन रिटर्न्स मैचेस विदाउट रिगार्ड टू केस. क्या होता है कि लाइनक्स में कमांड्स केस सेंसिटिव होती हैं, यानी कि बोल्ड, इटैलिक एंड स्मॉल, कैपिटल, ठीक है. तो अगर आप हाइफन आई ऑप्शन यूज़ करते हैं तो केस को कंसीडर किए बिना वो स्ट्रिंग को मैच करते हैं, यानी कि आइदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे हों या स्मॉल लेटर में लिखे हों, दोनों ऑप्शंस दोनों केसेस में वो लाइंस प्रिंट हो जाते हैं. हाइफन एन ऑप्शन मीन्स दैट ईच लाइन ऑफ आउटपुट इज प्रिसीडेड बाई फाइल नेम एंड लाइन नंबर. हाइफन एन क्या करता है? फाइल नेम और लाइन नंबर देता है आउटपुट के साथ कि किस लाइन में पैटर्न मैच हुआ है और किस फाइल नेम के साथ. हाइफन वी ऑप्शन कॉजेज नॉन मैच्ड लाइंस टू बी प्रिंटेड. हाइफन वी से वो सभी लाइंस प्रिंटेड होती हैं जो मैच नहीं कर रही होती हैं. हाइफन सी या फिर हाइफन हाइफन काउंट, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं. इसका काम क्या होता है? काउंटिंग शो करता है, जो मैचिंग लाइंस है उनकी काउंटिंग बताता है, प्रिंट करता है कि कितनी लाइंस मैच कर रही हैं. हाइफन एफ या हाइफन हाइफन फिक्स्ड स्ट्रिंग इंटरप्रेट पैटर्न एज ए लिस्ट ऑफ फिक्स्ड स्ट्रिंग्स सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस एनी ऑफ विच इज टू बी मैच. तो पैटर्न को इंटरप्रेट करता है एज ए लिस्ट ऑफ फिक्स्ड स्ट्रिंग. हाइफन एल हाइफन हाइफन फाइल्स विद मैचेस. सपोज नॉर्मल आउटपुट सप्रेस नेट नॉर्मल आउटपुट इंस्टेड प्रिंट द नेम ऑफ ईच इनपुट फाइल फ्रॉम विच आउटपुट वुड नॉर्मली हैव बीन प्रिंटेड. तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये फाइल का नेम प्रिंट करती है जिसमें पैटर्न मैच हो जाता है, और फर्स्ट टाइम मैच होते ही स्कैनिंग स्टॉप हो जाती है. फॉर एग्जांपल आप किसी फोल्डर में डायरेक्टरी में सर्च कर रहे हैं तो जिस फाइल में पर्टिकुलर पैटर्न मैच कर जाता है उस फाइल का नाम प्रिंट हो जाता है. हाइफन एन हाइफन हाइफन लाइन नंबर प्रीफिक्स ईच लाइन ऑफ आउटपुट विद द लाइन नंबर विद इन इट्स इनपुट फाइल. तो प्रीफिक्स करती है यानी कि स्टार्टिंग में लाइन नंबर जो भी आउटपुट लाइंस होती हैं उसके साथ शो करती है. हाइफन ओ या फिर हाइफन हाइफन ओनली मैचिंग शो ओनली द पार्ट ऑफ अ मैचिंग लाइन दैट मैचेस पैटर्न. जो पैटर्न से मैच करता है सिर्फ वही पार्ट शो करती है इसमें. हाइफन वी अगर आप ऑप्शन यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है हाइफन हाइफन इन्वर्ट मैच. वी जहाँ भी आता है वहाँ से इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्ट हो जाएगा यानी कि रिवर्स हो जाएगा. इन्वर्ट द सेंस ऑफ मैचिंग टू सेलेक्ट नॉन मैचिंग लाइन्स. तो इस केस में वो सभी लाइन्स प्रिंट होंगी जो मैच पैटर्न से नहीं करेंगी. तो ये हैं कुछ ऑप्शंस जो कि ग्रैप के साथ यूज़ किए जा सकते हैं. अब देखते हैं कि एग्जांपल कैसे यूज़ करते हैं ग्रैप कमांड को. तो यहाँ हमने फर्स्ट एग्जांपल में ग्रैप लाइनक्स इनपुट डॉट टीएक्सटी लिखा है. तो ग्रैप हमारी कमांड है और जो लाइनक्स वर्ड है जो कि डबल कोट्स में दिया गया है, यह है हमारा पैटर्न जो कि हमें सर्च करना है, और इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल नेम है जिस फाइल में सर्च करना है. तो फाइल में जो जिस लाइन में लाइनक्स अपीयर होगा वो लाइन यहाँ से प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि वेलकम टू लाइनक्स. इन द आउटपुट अबव द लाइन इन द फाइल इनपुट डॉट टी एक्स टी कंटेनिंग द पैटर्न और स्ट्रिंग लाइनक्स वाज डिस्प्लेड एज आउटपुट. सेकेंड एग्जाम्पल में ग्रैप कमांड यूज ग्रैप कमांड के साथ पैटर्न यूज़ किया गया है लाइनक्स, और उसके बाद एस्टेरिस्क सिंबल लगाया गया है, यानी कि किसी फाइल का नाम नहीं दिया गया है. तो ये सभी फाइल्स में सर्च करेगी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, जहाँ से आप इस वक्त वर्क कर रहे हैं उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स में ये कमांड सर्च करेगी.
तो नीचे आप देख सकते हैं दो फाइल्स आउटपुट में डिस्प्ले हुई हैं। फर्स्ट वन है इनपुट डॉट टी एक्स टी, जिसमें जो लाइन है जो मैच कर रही है वेलकम टू लाइनक्स, एंड दूसरी फाइल है आउटपुट डॉट टी एक्स टी, जिसमें जो लाइन मैच कर रही है आई होप यू एन्जॉयड वर्किंग ऑन लाइनक्स। इस तरीके से ग्रैप कमांड वर्क करती है और ग्रैप को यूज़ करने से सर्चिंग बहुत ईजी हो जाती है। ग्रैप के दो मॉडिफिकेशंस हैं, ई ग्रैप कमांड और एफ ग्रैप कमांड। ई ग्रैप कमांड बेसिकली एक्सटेंडेड ग्रैप कमांड कहलाती है। इसका सिंटेक्स भी सिमिलर ही है। ई ग्रैप, उसके बाद ऑप्शंस आप मेंशन करेंगे, देन पैटर्न बताएंगे जो भी पैटर्न मैच करना है, और फाइल या डायरेक्ट्री जहाँ से सर्चिंग करनी है। तो ई ग्रैप कमांड बेसिकली क्या कर किस लिए यूज़ होती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस के केस में रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैच कराने के लिए यूज़ की जाती है। ई ग्रैप कमांड फास्ट होती है ग्रैप और एफ ग्रैप दोनों कमांड से, एंड ई ग्रैप कमांड इज सेम एज ग्रैप हाइफन ई। अगर आप ग्रैप हाइफन ई ऑप्शन के साथ यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को सर्च कर सकते हैं, या फिर ग्रैप हाइफन हाइफन एक्सटेंडेड डैश रेगएक्स विच यूजेज एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस के केस में पैटर्न सर्चिंग के लिए, सर्च ऑपरेशंस के लिए कुछ वाइल्ड कार्ड्स यूज़ होते हैं जो कि दिए गए हैं, जैसे कि डॉट यूज़ होता है मैच दैट मैचेस सिंगल कैरेक्टर, स्टार यूज़ होता है जो कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एस्टेरिस्क, कैरेट सिंबल यूज़ होता है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में शो करता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग विद, एंड डॉलर साइन यूज़ होता है एंडिंग विद के लिए। इसका एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है ई ग्रेप, कोट्स में दिया गया है सिंगल कोट्स में एच स्क्रिप्ट, और जो ये आप देख सकते हैं इसको पाइप कहते हैं, पाइपिंग ऑपरेटर देन फोरन्स देन पाइपिंग ऑपरेटर देन फ्री। इसका मतलब है ये तीनों वर्ड्स सर्च करने हैं फाइल वन डॉट टी एक्स टी में, मोर देन वन एक साथ, तो एक तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। तो एच स्क्रिप्ट हैज़ मैनी वैल्यूएबल फ्री स्क्रिप्ट, फर्स्ट लाइन अपेयर हुई जहाँ से फ्री वर्ड अपीयर हो रहा है, सेकंड लाइन में फोरम्स अपीयर हो रहा है, और एच स्क्रिप्ट भी है, थर्ड लाइन में एच स्क्रिप्ट है और फ्री भी है, फोर्थ लाइन में फ्री डी एन एस लुकअप। तो वो सभी लाइन्स जिनमें तीनों वर्ड्स हैं वो सभी लिस्ट हो जाएंगी। टू प्रिंट द लाइन्स कंटेनिंग फ्री फॉलोड बाई इमेजेस, अगर आपको वो लाइन प्रिंट करानी है जहाँ पे फ्री के बाद इमेजेस हो, दिखाओ, और बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट पहले फ्री हो, बीच में कुछ भी है, एंड लास्ट में इमेजेस हो, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके लिए हम लिखेंगे ई ग्रेप कोट्स में फ्री डॉट स्टार इमेजेस, डॉट स्टार का मतलब फ्री एंड इमेजेस के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रिंट करा देगी एच स्क्रिप्ट इंक्लूड्स फ्री ट्यूटोरियल्स एंड फ्री जिफ इमेजेस, यानी फ्री जिफ इमेजेस पैटर्न यहाँ से मैच कर गया है। इस तरीके से ई ग्रेप कमांड आप यूज़ करते हैं, एंड यह सपोर्ट करती है रेगुलर एक्सप्रेशंस को, जिससे कि कॉम्प्लेक्स सर्चिंग को ईजिली किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी एफ ग्रेप कमांड। एफ ग्रेप कमांड भी बहुत यूजफुल कमांड होती है। पैटर्न, इसका सिंटेक्स सेम है, एफ ग्रेप ऑप्शंस पैटर्न फाइल, सबसे पहले आप कमांड लिखेंगे, फिर ऑप्शंस लिखेंगे, फिर पैटर्न बताएंगे किस पैटर्न को सर्च करना है, एंड देन लोकेशन बताएंगे, यानी कि फाइल नेम या डायरेक्ट्री नेम। तो एफ ग्रेप सर्चेज फॉर पैटर्न इन फाइल्स, फाइल्स में पैटर्न्स के लिए सर्च करने के लिए यूज़ होती है बेसिकली। एफ ग्रेप इज़ फास्टर वर्जन ऑफ ग्रेप विच डज नॉट सपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो एफ ग्रेप ग्रेप का फास्टर वर्जन है, लेकिन ये रेगुलर एक्सप्रेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, एंड देयरफॉर इज कंसीडर्ड टू बी फास्टर, तो इसीलिए फास्टर है। एफ ग्रेप इज इक्वल टू ग्रेप हाइफन एफ, एफ ग्रेप की जगह हम ग्रेप हाइफन एफ कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जिट स्टेटस इज ज़ीरो इफ़ एनी लाइन्स मैचेस, अगर मैच कर जाती है लाइन तो स्टेटस ज़ीरो शो करती है कमांड, अगर मैच नहीं करती है तो स्टेटस वन शो करती है, एंड अगर एरर है बाई चांस तो स्टेटस टू शो करती है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल विद आउटपुट। सबसे पहले एक कैट कमांड यूज़ करके हमने माई फाइल डॉट टी एक्स टी की लाइन्स प्रिंट कराई हैं कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें 6-7 लाइन्स यहाँ से लिखी हुई हैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी में। उसके बाद हम एफ ग्रेप कमांड यूज़ करेंगे सपोर्ट के लिए, सपोर्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है उसको हमें सर्च करना है माई फाइल डॉट टी एक्स टी में। तो ये फर्स्ट लाइन को प्रिंट कराती है कमांड, सपोर्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
लेकिन आप यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ही प्रिंट हुई है, जबकि जो माई फाइल डॉट टी एक्स टी में थर्ड लाइन इट्स राइट टाइम टू सपोर्ट हिम मे बी सपोर्ट वर्ड अपीयर होता है। लेकिन ये चूंकि केस सेंसिटिव है और फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में है, इसलिए फर्स्ट लाइन को प्रिंट करेगी। अगर फर्स्ट लेटर जो हम ने पैटर्न दिया है उसमें कैपिटल नहीं होता तो ये थर्ड लाइन प्रिंट करती है। नेक्स्ट देखते हैं एफ ग्रेप एमटेक माई फाइल डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ से जिस लाइन में यानी कि फोर्थ लाइन में जहाँ एमटेक अपीयर होता है वो लाइन प्रिंट कर देती है कमांड। देन कैट कमांड यूज़ करके लिंक डॉट टी एक्स टी शो किया गया है। एक दूसरी फाइल ली गई है यहाँ से लिंक डॉट टी एक्स टी, जिसमें फोर वर्ड्स लिखे हुए हैं इंजिन इंजीनियर इंजीनियरिंग एंड इंग्लिश। तो दोनों फाइल्स आपके सामने हैं। अब हम क्या करेंगे, एफ ग्रेप हाइफन एफ कमांड यूज़ करते हैं दोनों फाइल्स में पैटर्न मैच कराने के लिए। तो यहाँ क्या है, जो लिंक डॉट टी एक्स टी के जो वर्ड्स हैं वो एज ए पैटर्न वर्क कर रहे हैं, जो फर्स्ट जहाँ पैटर्न की जगह हमने लिंक डॉट टी एक्स टी लिखा है, और वो वर्ड्स जो एज ए पैटर्न मैच कराएगी ये कमांड माई फाइल डॉट टी एक्स टी की टेक्स्ट से। तो जहाँ भी वो पर्टिकुलर जिस लाइन में वर्ड मिलेगा वो लाइन प्रिंट कर दी जाएगी। जैसे कि इंजिन कहीं नहीं है तो कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। देन इंजीनियर से मैच कर जाती है माई फाइल डॉट टी एक्स टी की सेकेंड लाइन, ही मस्ट बी एन इंजीनियर। देन इंजीनियर्स रॉक। देन वी आर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो इन थर्ड वर्ड जो है इंजीनियरिंग जो पैटर्न है वो सेकेंड लास्ट लाइन से मैच कर जाता है। एंड इंग्लिश जो लास्ट वर्ड है एज ए पैटर्न वो माई फाइल डॉट टी एक्स टी की लास्ट लाइन वी डू नॉट नो इंग्लिश से मैच कर जाता है। तो फोर लाइन्स यहाँ से प्रिंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम बिटवीन टू फाइल्स भी पैटर्न मैचिंग करा सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि एक वर्ड पे एक बार कमांड चलाया जाए, आपने एक फ़ाइल बना ली जो भी सब आपको सर्च करना है और उसको वो सारे वर्ड्स आपने एक फ़ाइल में सेव करा दिया, एंड देन उसको आप यूज़ करके एज ए पैटर्न आप किसी दूसरी फाइल से सर्च करा के आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सर्चिंग में बहुत से ऑप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम सर्चिंग करके रिज़ल्ट को रिज़ल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स यूज फॉर सर्चिंग इन लाइनक्स, लाइक ग्रेप ई ग्रेप एंड एफ ग्रेप। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है फाइंड कमांड, जो कि सर्चिंग के लिए यूज़ होती है फाइल्स में। द फाइंड कमांड इज़ यूज टू लोकेट फाइल्स ऑन अ यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम। बेसिकली ये यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम में फाइल्स को लोकेट करने के लिए यूज़ होती है। फाइंड विल सर्च एनी सेट ऑफ डायरेक्टरीज यू स्पेसिफाई फॉर फाइल्स दैट मैच द सप्लाइड सर्च क्राइटेरिया। तो आप जो भी सेट ऑफ डायरेक्टरीज में फाइंड कमांड सर्च करेगी उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, जो भी क्राइटेरिया आप उसमें सप्लाई करेंगे। क्राइटेरिया बहुत से क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि क्राइटेरिया के अंदर आता है यू कैन सर्च फॉर फाइल्स बाय नेम, नेम हो सकता है क्राइटेरिया में, ओनर हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, टाइप हो सकता है, परमिशंस, पर्टिकुलर परमिशंस की फ़ाइल अगर आपको सर्च करनी है, पर्टिकुलर डेट पे बनी हुई फाइल्स आपको सर्च करनी है, एंड अदर क्राइटेरियाज। उसके अलावा भी आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। द सर्च इज़ रिकर्सिव इन दैट इट विल सर्च ऑल सब डायरेक्टरीज टू। तो सर्च जो होगी इस केस में रिकर्सिव होगी, यानी जितनी भी डायरेक्टरीज फोल्डर्स के अंदर सब डायरेक्टरीज होंगी उसमें भी रिकर्सिवली फाइंड कमांड सर्च करेगी। इफ़ फाइंड डज नॉट लोकेट एनी मैचिंग फाइल इट प्रोड्यूसेस नो आउटपुट। अगर कोई फॉर एग्जांपल मैचिंग फाइल नहीं मिलती है तो सिंपली उसमें कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता है। अब सिंटेक्स देख सकते हैं समझने के लिए। सबसे पहले हमने फाइंड कमांड लिखी है, उसके बाद वेयर टू लुक यानी किस पाथ यहाँ देंगे या पाथ या लोकेशन यहाँ बताएंगे कि आपको कहाँ से सर्च करना है, एंड क्राइटेरिया यानी कि किस क्राइटेरिया से सर्च करना है, और व्हाट टू डू और क्या सर्च करना है। तो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं फाइंड पाथ एंड देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, बेसिकली एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन से बनी होती है एक्सप्रेशन, विच अफेक्ट ओवरऑल ऑपरेशन रैदर देन द प्रोसेसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक फाइल एंड ऑलवेज रिटर्न ट्रू। ऑप्शंस होंगे कॉमा, टेस्ट होंगे विच रिटर्न ए ट्रू और फॉल्स वैल्यू, एंड एक्शंस होंगे विच हैव साइड इफेक्ट एंड रिटर्न ए ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ऑल सेपरेटेड बाई ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स से सेपरेटेड, एंड इज अज्यूम्ड वेयर द ऑपरेटर इज ओमिटेड। इफ द एक्सप्रेशन कंटेन्स नो एक्शन अदर देन
hyphen prune hyphen print is performed on all files for which the expression is true. अगर एक्सप्रेशन में कोई ऑप्शन कोई एक्शन मेंशन नहीं है तो जो भी एक्सप्रेशन ट्रू होगी उससे रिलेटेड फाइल्स को सिंपली पिप प्रिंट ऑपरेशन प्रिंट एक्शन परफॉर्म कर दिया जाता है. तो इस तरीके से फाइंड कमांड वर्क करती है. अब देखते हैं इसका एग्जांपल. सिंपल एग्जांपल यह मैंने लिया है. आप देखते हैं प्रॉम्प्ट के बाद डॉलर प्रॉम्प्ट यहाँ पे है. डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद आपने फाइंड लिखा है देन स्लैश यानी कि रूट देन हाइफन नेम. हाइफन नेम क्या है आपका क्राइटेरिया यानी कि नाम सर्च करना है और उसमें क्या है फू एफ डबल ओ. तो ये कहाँ सर्च करेगी लोकेशन क्या है रूट पे और नेम के अंदर तीन कैरेक्टर्स होने चाहिए एफ डबल ओ. तो दिस विल सर्च द होल सिस्टम यानी कि एंटायर फाइल सिस्टम चूँकि हमने यहाँ रूट मेंशन कर दिया फॉर एनी फाइल नेम्ड फू. पूरे फाइल सिस्टम में रूट के अंडर कोई भी फाइल जो जिसका कि नाम एफ डबल ओ होगा वो जो है डिस्प्ले कर देगी एंड डिस्प्ले देयर पाथ नेम उसका पाथ नेम पूरा कंप्लीट पाथ नेम किस जगह वो स्टोर है. हियर वी आर यूजिंग द क्राइटेरिया हाइफन नेम विद द आर्गुमेंट फू टू टेल फाइंड टू परफॉर्म अ नेम सर्च फॉर द फाइल नेम फू. आप देख सकते हैं आउटपुट में तीन लाइन्स यहाँ से शो कर रहा है स्लैश होम स्लैश डब्ल्यू पॉल लॉक स्लैश एफ डबल ओ स्लैश होम स्लैश यू ज़ीरो टू स्लैश एफ डबल ओ एंड स्लैश टेम्प स्लैश एफ डबल ओ. तीन जगह एफ डबल ओ फू की अपियरेंस मिली है स्लैश रूट फाइल सिस्टम के अंदर फाइंड कमांड यूज करके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.